माय डियर स्कॉलर्स मैनेजमेंट की थ्यूरीज डेवलप हो रही हैं मार्केटिंग की थ्यूरीज डेवलप हो रही हैं इसके साथ साथ विद इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो द एमरजेंस ऑफ़ बिजनेस स्ट्रैटेजी उसका कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले हेनरी फॉयल ने दिया ही था रिमेंबर वन ऑफ द कॉन्सेप्ट गिवन बाई हेनरी फॉयल Was the planning. Think of long term planning. Think of a long term vision. That was the concept which emerged as a business strategy, which means strategic thinking and strategic viewpoint related with planning. In other words, plan for five years. और जैपनीज तो इस मामले में बड़े ही क्लियर कॉन्सेप्ट रखते हैं उनका कहना यह है कि इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल अच्छा अब वो प्लानिंग जब बात हो रही है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी की तो उस वक्त प्लानिंग फाइव टू टेन ईयर्स यू प्लान फॉर द नेक्स्ट फाइव टू टेन ईयर मार्केट्स वर कंपेरेटिवली स्टैटिक इतना क्योस नहीं था ग्लोबलाइजेशन नहीं थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं थी गुड्स एंड प्रोड्यूस वर शिफ्ट बाय द शिप्स अभी कल की बात है कि 1960 में जो लोग हज करने जाते थे पाकिस्तान से बाय शिप इट यूज टू टेक मोर देन अ वीक। आज चंद घंटे लगते हैं तो हम बात कर रहे हैं अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी So business strategy or planning, the concept emerged. And the earlier researchers say management scholars. The, they were thinking about that business policy should relate that setting the goals for next five years, next ten years. Setting the goal by the firm, by the owner, by the top management. जो भी नाम देना चाहें आप एंड दे शुड डिटरमिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस तो दो चीजें सामने आ रही हैं बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर सेटिंग द गोल्स एंड पर्पस ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट यही वो चीजें हैं जो लेटर ऑन पर्पस ऑफ बिजनेस के परस्पेक्टिव में फिर आप विजन और मिशन की बात करते हैं गोल्स के पर्सपेक्टिव में फिर आप गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात आहिस्ता आहिस्ता फिर एरिया डेवलप होता रहा अकॉर्डिंग टू क्वीन ये अर्ली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्कॉलर है क्वीन ही आस्क्ड बिजनेस पीपल ही आस्क्ड द बिजनेस ओनर्स टॉप मैनेजर्स That you should try to develop these strategic concepts. And of course, theories were coming from economics. And when you speak of strategic management and achieving the goal, along with the economic force, what is economic force? Money. Capital. So the force ka concept aya, to skasati concept vi कि हु विल हैव मोर पावर इकोनॉमिक पावर तो है ही है पीपल पावर कंपनी पावर सीईओ की पावर टॉप मैनेजमेंट की पावर मार्केट की पावर फिर इमर्ज करते गए ये कॉन्सेप्ट और पावर का कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक पावर फॉर नेक्स्ट फाइव इयर्स और ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मिलिट्री साइंस से आई रिकॉल कीजिए कि जब हम रोमन एम्पायर की बात कर रहे थे कब की बात है वो फाइव एडी ग्रीक फिलॉसफर्स की बात हो रही थी हंड्रेड एडी रोमन एम्पायर मिलिट्री एंड द मिलिट्री साइंस एंड द मिलिट्री स्ट्रेटजी वर डेवलप्ड बाय द रोमन्स एंड चांगजू चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट अच्छा यह इसलिए भी हुआ कि मिलिट्री में ऑलरेडी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी ट्रुप्स को डिवाइड किया जाता है इंटू यूनिट्स आज भी अगर आप आर्मी के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे बेसिक जो उनका पहला स्ट्रक्चर है वह यूनिट कहलाता है तो आप किस यूनिट में है उस यूनिट का एक इंचार्ज होता है वो उसका मैनेजर हो गया जनरली मेजर भी हो सकता है लेफ्टिनेंट कर्नल भी हो सकता है एक लेफ्टिनेंट कर्नल एक यूनिट के अंडर उसकी कमांड में है तो उसके साथ कुछ मेजर होंगे कुछ कैप्टन होंगे कुछ लेफ्टिनेंट होंगे फिर ब्रिगेड को कमांड किया जाता है तो यूनिट है ब्रिगेड है डिवीजन है डिवीजन का हेड डिव का हेड मेजर जनरल और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ये तो मिलिट्री की पूरी एक साइंस है इसी तरह से बिजनेस के अंदर चीफ एग्जैक्टिव है आज वो बिजनेस ओनर है तो ये पूरी की पूरी डिवीजन और उसकी फिर विजन और उसके मुताबिक फिर मिशन और फिर पर्पज ये वो सारी चीजें हैं जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का concept of discussion money. or professor chandler studied the corporations that what makes the corporation successful and efficient. and he said those who have a longer vision, those who develop their strategy, their plans for next five years, they will be successful. and those which will be inefficient and the inefficiency will be resulted because they had a lack of strategy. Thank you.